वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चला रही है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। मेमोरेंडम इस बात पर दिया जा रहा है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन लोगों को रिलीज़ करें, उन लोगों को छोड़ने के लिए हम एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। ये कैंपेन के तहत आज दूसरा दिन है, कल भी हमने किया और हम मंडे के दिन ये मेमोरेंडम डीसी के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर रहे हैं कि जो बेगुनाह हैं, जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए ये कैंपेन चल रही है। वेलकम टू मास मीडिया बिदर। आज हम बिदर के गाँव चौक के एरिया में यहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कैंपेन चल रहा है, उनसे भी जानेंगे। मुबाशिर सिंह जो यहाँ के वेलफेयर पार्टी से जुड़े वाले हैं उनसे कुछ बात करेंगे। ये किस बारे में ये प्रोग्राम चल रहा है सर, ये मुहिम आप चला रहे हैं ना वेलफेयर पार्टी के तरफ से, किस बारे में मुहिम चल रही है सर ये बताइए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चला रही है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। मेमोरेंडम इस बात पर दिया जा रहा है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन लोगों को रिलीज़ करें, उन लोगों को छोड़ने के लिए हम एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। ये कैंपेन के तहत आज दूसरा दिन है, कल भी हमने किया और हम मंडे के दिन ये मेमोरेंडम डीसी के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर रहे हैं कि जो बेगुनाह हैं, जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए ये कैंपेन चल रही है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये 19, 20 और 21 ये कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन रहेगी और 22 को हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे डीसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के को डीसी के थ्रू। तो ये कल जो प्रोग्राम हो आपका आगे बढ़ेगा तो कौन से एरिया में से होगी आपकी जॉइनिंग? कल हमारा इरादा है अम्बेडकर सर्कल के एरिया में इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए। तो कितने लोग हैं आपके मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? अब तक हमारे पास 500 के करीब हैं साइन हो चुके हैं और ये मुहिम बसो कल्याण, बगदल, बीदर हर तरफ पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। तो आपको लगता है ये मुहिम चलाने से जो लोग को रिलीज मिलेगा? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, हमारा वे ऑफ अप्रोच हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हम हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंदर डाला गया है उन्हें रिलीज़ करें, ये हमारा एक राइट्स है और ये हम उनको मेमोरेंडम के थ्रू इन्हें सेंड कर रहे हैं। तो कल जो अम्बेडकर सर्कल पे लोग आने वाले हैं आपके मुहिम में शामिल होने के लिए, उसकी टाइमिंग क्या है सर बोलिए? ये हम सेम टाइमिंग 5 to 6 की रखें, यही टाइम पे हम वहाँ पे ये करेंगे। चलिए, ये थे मुबाशिर सिंधे साहब, इनका हम धन्यवाद करते हैं मास मीडिया को बात करने के लिए। यहाँ पर मुस्लिम ह्यूमन राइट्स सदर वहीद लखन सर से भी जानेंगे, यहाँ पर जो मुहिम चल रही है इनमें आपने सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर आया था, ये मुहिम किस लिए कर रहे हैं और किस बात की मुहिम चल रही है इनके जानेंगे। सर, आपने यहाँ पर सिग्नेचर की, किस बात की सिग्नेचर ली इसके बारे में बताइए। आज हमारे देश में जो फिरका परस्त हुकूमतें जो बेगुनाह बेबस लोगों को जो है ना जो जेलों में बंद किया है उसके तहत आज जो है ना दस्तखती मुहिम बीदर से शुरू हुई है। इसके शुरुआत करने वाले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये की जा रही है और कैंप रख के बाज़ाब्ता जो है ना इसके ताल्लुक से जो है ना सिग्नेचरी दस्तखती मुहिम चालू करा रहे हैं, चालू हो रही है और हो सकता है आगे चलकर अम्बेडकर सर्कल के पास से एक जुलूस की शक्ल में जाकर जो है ना एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा डीसी साहब को। सर, ये आपको जो मुहिम चल रही है इसका फ़ायदा अगर होगा क्या नहीं होगा बताइए। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा ना, तो हमारे को हमारी यहाँ की हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, ये जो हमारी जो कोर्ट है, हमारा जो लॉ है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है संविधान के तहत हम मुहिम तो कर रहे हैं। हो सकता है हमारा जो संविधान हमारे को बोलता है उसका हक मिलना चाहिए, बेगुनाह लोगों को जो है ना छोड़ना ज़रूरी है। तो कल 5 बजे ये मुहिम के वास्ते सिग्नेचर के लिए अम्बेडकर सर्कल पर इन्होंने इरादा किया है, आप कितने लोगों को जुड़ने की गुजारिश कर सकते हैं? सारे लोगों से मैं अपील करूँगा कि ये काम ऐसा काम है जो आज देश के अंदर जो बेगुनाह लोग हैं इनको छोड़ने के लिए, यानी कि इनको जो है ना रिहा करने के लिए सारे लोगों से अपील है हमारी कि भाई सारे लोग आकर जो है ना इस मेमोरेंडम जो दे रहे हम लोग रैली की शक्ल में जाके सारे लोगों को आने की हमारी अपील है। मंडे के दिन पीर के दिन दिया जा रहा है। चलिए, ये थे वहीद लखन साहब, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं।